सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई वीडियो में। तो आइए, पोषण ट्रैकर ऐप में एक नया अपडेट आ चुका है 18.3। अगर आपने इसको अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए और सबसे पहले आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लीजिए। कि इस अपडेट में आप लोगों के लिए क्या क्या खास अपडेट आई है, जैसे कि इसमें तीन अपडेट है। तीनों अपडेट में से सबसे पहला वाला जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो है आभा आईडी क्रिएटेड, यानी कि जो भी लाभार्थी हैं उनका अब आभा आईडी क्रिएट करना होगा। आभा आईडी क्या है, कैसे क्रिएट करना है, चलिए आपको आगे की इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। जैसे कि आप यहाँ पर बेनिफिशियरी वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से जो भी बेनिफिशियरी हैं उनका यहाँ पर लिस्ट खुल के आ जाएगा। अब आप लोग समझिए कि यहाँ पर किनका किनका आभा आईडी क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं उनका ही आप लोग आभा आईडी बना सकते हैं। आभा आईडी क्या है, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया एक यूनिक कोड 14 अंकों का होता है, जिसमें कि जिनका भी आभा अकाउंट बनेगा उनका हेल्थ का पूरा रिकॉर्ड उसमें मौजूद रहेगा। और जैसे कि यहाँ पर 0 से लेकर जो 6 साल के बच्चे हैं उनका आप लोग आभा आईडी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि इनका आभा आईडी क्रिएट इसलिए नहीं होगा कि इनका जो भी आधार वेरीफाइड हुआ है वो उनके माता या पिता के आधार से वेरीफाइड किया गया है, लोग इनका आभा आईडी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसमें आप लोगों को उन्हीं लोगों का आभा आईडी क्रिएट होगा जिनके नाम से आधार वेरीफाइड हुआ रहेगा। तो यहाँ पे दो ही कैटेगरी ऐसा है जिसमें कि आप लोग उनका आधार वेरीफाइड किए हुए हैं और इनका आप लोग आभा आईडी क्रिएट कर पाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर गर्भवती महिला की कैटेगरी पर आएंगे, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करें। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आप देख पाएंगे कि एक और ऑप्शन को ऐड किया गया है जहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट आभा, यानी कि यहाँ से आप लोग इनका आभा अकाउंट बनाएंगे, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे क्रिएट आभा का एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें कि आपको सबसे पहले क्रिएट करने के लिए जो भी लाभार्थी है उनका मोबाइल नंबर वेरीफाइड होना चाहिए, और मोबाइल नंबर अगर वेरीफाइड नहीं है तो आप यहां पे मोबाइल नंबर सबसे पहले वेरीफाई करेंगे। यहां पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सबमिट वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर उस लाभार्थी के मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आप लोग डाल के इसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पहले वेरीफाई कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे आप दो तरीक़ों से आभा अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे, जैसे कि पहला है डेमोग्राफी ऑथेंटिकेशन यानी कि फिंगरप्रिंट के जरिए, और दूसरा है मोबाइल OTP यानी कि मोबाइल OTP का जो ऑप्शन है अगर उस लाभार्थी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली उसका जो आभा नंबर है वो जनरेट कर पाएंगे। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको डेमोग्राफी यानी कि फिंगरप्रिंट रखवा के उस लाभार्थी का जो आभा अकाउंट है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जिनका मोबाइल नंबर आधार में जुड़ा होगा तो उनका तो आसानी से जो आभा अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेविकाओं को अब यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होगी। इनके आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा होगा तो उनके पास जो आभा क्रिएट करने के लिए जो फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यू अपडेट है इसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं को परेशानी होने वाली है। तो आप लोग इस अपडेट के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये अपडेट कैसा है, और बाकी जो दो अपडेट है वो ऐप ऑप्टिमाइजेशन और माइनर बग फिक्सेस के बारे में है, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है वो ठीक किया गया है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।